बुद्धत्व के दो आयाम हैं, अर्हत और बोधिसत्व। उनके अनुभवों में कोई भेद नहीं है, परंतु अर्हत एक गुरु नहीं है, जबकि बोधिसत्व एक गुरु है। अर्हत ने सत्य को पा लिया है, लेकिन वह इसे सिखाने में असमर्थ है, क्योंकि सिखाना एक पूर्णता अलग कला है। उदाहरण के लिए, तुम एक सुंदर सूर्यास्त को देख सकते हो। तुम इसकी सुंदरता को उतनी ही गहराई और प्रगाढ़ता से अनुभव कर सकते हो कि जितना कि कोई विंसेंट वैन गॉग, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम इसे चित्रित कर सकोगे, इसकी पेंटिंग बना सकोगे। इसे चित्रित करना एक पूर्णता अलग कला है। अनुभव करना एक बात है, दूसरों को इसे अनुभव करा देना एक बिल्कुल ही अलग आयाम है। अनेक अर्हत हुए हैं, लेकिन बोधिसत्व बहुत कम। बोधिसत्व न केवल प्रबुद्ध होता है, बल्कि उसे वह कला भी आती है जो उसके साथ घटित हुई है उसे सिखाने की। ये दुनिया की सबसे महान कला है। इसकी तुलना किसी अन्य कला से नहीं की जा सकती, क्योंकि उसको कहना है जिसको कहा नहीं जा सकता। लोगों को उनकी नींद से बाहर निकालना है, उन तक सत्य पहुंचाने के लिए उपकरण खोजना और आविष्कार करना जो उसके साथ घटित हुआ है, और उन्हें इसे प्राप्त करने में मदद करना। ये एक दुर्लभ उपहार है। एक बार बुद्ध से पूछा गया, आपके शिष्यों में से कितने लोग प्रबुद्ध हुए हैं? उन्होंने कहा, बहुत से। उन्होंने दिखाया, देखो, मंजुश्री उनके बगल में बैठे थे, और सारिपुत्र और मौद्गल्यायन और महाकश्यप। उन्होंने कहा, ये चार लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, ये प्रबुद्ध हो चुके हैं। पूछताछ करने वाले ने पूछा, अगर ये प्रबुद्ध हो गए हैं तो ये आपकी तरह प्रसिद्ध क्यों नहीं है? उनके बारे में कोई क्यों नहीं जानता? उनके हजारों अनुयायी क्यों नहीं हैं? बुद्ध ने कहा, वे प्रबुद्ध हो गए हैं, लेकिन वे गुरु नहीं हैं, वे अर्हत हैं, वे बोधिसत्व नहीं। अर्हत इसे जानता है, लेकिन दूसरों को इसे जनाने में सक्षम नहीं बना सकता। बोधिसत्व इसे जानता है और दूसरों को इसे जनाने में सक्षम बना सकता है। अर्हत और बोधिसत्व के मार्ग भले ही एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा साझा करने की कला में बड़ा अंतर है। एक और जहां अर्हत स्वयं के लिए ज्ञान को अंतर्गत करता है, वहीं बोधिसत्व इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने की अद्वितीय कला में पारंगत होता है। आत्मज्ञान पर चलने वाला साधक की नियति या तो अर्हत की होती है या बोधिसत्व की। ये प्रभु ही जानता है कौन गुरु बनने के लिए सक्षम है। प्रणाम।